जो कि श्रीदेवी खाती थी बॉम्बे की स्पेशल ऑनियन मस्का पाव। नाम तो बड़ा यूनिक सा लग रहा है, तो देखने में कैसा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, जो तो अलग ही आइटम है, अलग ही आइटम। वो तो श्रीदेवी का ये शिकायत हुआ था मेरा, श्रीदेवी को उनकी शूटिंग में जाता था ना मैं। अच्छा। तो नाइट में वो ऐसे ऐसे बनाओ, उसमें मक्खन डालो, शिमला मिर्च डालो, प्याज डालो, वैसे उसके अंदर से भर के वो खाते थे। शर्मा जी साडे नाल मौजूद ने, गल कर लेने हैं कि अज की खिलान लगे हो। सत श्री अकाल जी आपको। मैं जो कि श्रीदेवी खाती थी बॉम्बे की स्पेशल ओनियन मस्का पाव। हाँ, वो ओनियन मस्का खिलाने के लिए आपको जा रहा हूँ मैं। क्या बात है, नाम तो बड़ा यूनिक सा लग रहा है, तो देखने में कैसा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, जो तो अलग ही आइटम है, अलग ही आइटम। वो तो श्रीदेवी का ये शिकायत हुआ था मेरा, श्रीदेवी का कैसे? श्रीदेवी को उनकी शूटिंग में जाता था ना मैं। अच्छा। तो नाइट में वो ऐसे ऐसे बनाओ, उसमें मक्खन डालो, शिमला मिर्च डालो, प्याज डालो, वैसे उसके अंदर से भर के वो खाते थे। श्रीदेवी का नाम उसको मैंने श्रीदेवी रख दिया। अच्छा। चलो जी, मरते तो बहुत हो गए, मिट्टी मिट्टी। अब देख लेते हैं कि वो जो आइटम सर बता रहे हैं वो कैसे तैयार की जाती है और कैसे बनती है। ये देखो जी, ये करो कैमरा करो जी, ये मक्खन डाल दिया गया, शिमला मिर्ची और प्याज डाल दिया गया। तस्वीर दे तुहाडे नाल सांझी कर रहे ने, पहले मक्खन दे विच जिहड़े ओनियन ते कैप्सिकम पा दिता गया है, ते इनको शर्मा जी कब तक ऐसे करके फ्राई करना है? बस 5 मिनट लगती है इसमें। 5 मिनट। हाँ, इसमें अभी अदरक लहसुन डाला जाएगा जी, फिर इसमें मिर्ची डाली जाएगी जी, फिर पाँव के अंदर इसको भर के दिया जाएगा। और शर्मा जी, ये जो आपने श्रीदेवी जी का नाम रखा है, हैं कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों का भी फेवरेट। हाँ जी, बहुत लोगों का फेवरेट है। हाँ, सारे लोग यही खाते हैं, ओनी मस्का लगाओ जी, ओनी मस्का लगाओ जी। हाँ, नाम भी बड़ा डिफरेंट है। आपने रखा है? हाँ। अच्छा, ये श्रीदेवी के नाम से आपने नाम भी रखा? हाँ, उसका नाम मैंने श्रीदेवी रख दिया जी। ये कौन सा मसाला डाला इसमें? ये अपना घर का हाथ का मसाला बने बनाया। कौन सा मसाला है? मसाला इसमें तो बहुत मसाले, 36 मसाले होते हैं। 36 मसाले तैयार किया जाए, और ये जो इसमें डाला है, ये अदरक लहसुन और इलायची। इलायची, क्या बात है। और ये मिर्ची है जी। मिर्ची, तो देख सकते तस्वीर थोड़े नाल सांझी कर रहे नाल दी नाल, जिहड़ा है बनता होया भी दिखावांगे कि किद्दां तैयार किया जाता है। अमूल बटर वापरा जाता है यार। अच्छा। कोई लूटरेला वगैरह का नहीं वापरा जाता, प्योर अमूल बटर वापरा जाता है यहाँ। देखने में बड़ा ही शानदार लग रहा है, तो खाने में बहुत ही मजेदार होगा। हाँ जी, खा के देखो आप। तो जो ग्रेवी जड़ी है तैयार कर दी गई है, तस्वीरें थोड़े ना सांझी कर रहे ने। ये क्या डाल रहे हैं? इसमें थोड़ा भाजी डाली जाती है हमारी जी। भाजी क्यों डालते हैं? हाँ, दो भाजी हम डालते हैं, वही भाजी डाली जाती है इसके अंदर, टेस्ट अलग देने के। हाँ, टेस्ट अलग, वो सेपरेट अलग टेस्ट हो जाता है। तो देख सकते हो कि पाव जो है वो निकल चुके हैं। ये पाव जो तैयार किए जा रहे हैं, इसमें भरने के लिए? हाँ, ये इसके अंदर मक्खन में, पहले इसको मक्खन में लगाया जाएगा पूरा जी। हमारा काम मक्खन लगाने का है जी। अब इसको मक्खन लगाया जाएगा, फिर मक्खन लगा के उसके अंदर भरा जाएगा। इंसानों को भी मक्खन लगाते हो, पाव को भी मक्खन? क्या करूँ, हमारा काम है, नहीं मक्खन लगाओ तो आप दोबारा थोड़ी आओगे मेरे पास। सच्चाई बोल रहे हो शर्मा जी। तो हमारा काम मक्खन लगाने का। कहीं ना कहीं सच्चाई जो है सामने आ रही है कि दुकानदारों का काम ही मक्खन लगाना, मक्खन लगाने का। तो मक्खन तुम देख सकते हो लग चुके हैं। प्योर मक्खन लगाया जाता है, अमूल बटर। अच्छा। अमूल के बटर के द्वारा कोई मक्खन नहीं मिलेगा यहाँ पर। मक्खन खोले। सो देख सकते हो कि पाव जड़े ने तैयार कर दिते गए ने, ते कितने पीसेस होते ने? इसमें 4 पीस होते हैं। 4 पीस? 4 पीस, 150 का। 150 के और बाजी के साथ में 200 का। 200 का। एक मिनट, रेट नहीं बताना, रेट नहीं बताना। ऑनियन मस्का पाव
ਆਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਹਾਂ ਆਨੀਅਨ ਮਸਕਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਸਕਾ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਉਹ ਰੱਖਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ 89 ਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਦੇਖ ਲੋ ਚੰਮਰ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇੜੀ ਲੱਗਦੀ ਥੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ देख सकते हो कि जो प्लेट है वो तैयार होकर आ चुकी है। श्रीदेवी इसका जो है नाम दिया गया है, नाम जो इसको श्रीदेवी दिया गया है। लुक जितनी शानदार लग रही है, साथ में हरा धनिया की जो है पातियां भी डाली हुई है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी 400 रुपए किलो धनिया है, 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। और टमाटर 200 रुपए किलो, प्याज और नींबू रख, मुझे लोड नहीं है प्याज नींबू। चलो कोई नहीं। सो तस्वीर थोड़े ना साझी कर रहे हैं, तुम देख सकते हो ओनियन मस्का पाव जोड़ा बन चुका है। जे शर्मा जी की लैंग्वेज कही है तो श्रीदेवी जी तैयार हो चुकी ने। हाँ जी श्रीदेवी हमारी तैयार हो चुकी है, आप खा के टेस्ट करके मेरे को बताओ कैसा है श्रीदेवी। बिल्कुल टेस्ट ही अलग होगा आपको। क्या बात है। जो शर्मा जी की जितनी बातें सुरीली ते मीठी है ना, मैं कहनी है जितना ही ज्यादा है ऑनियन मस्का पाव भी उन्ना ही ज्यादा टेस्टी होगा। तस्वीर थोड़े ना साझी कर रहे हैं, तुम देख सकते हो मक्खन का इस्तेमाल होया है जो कि बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। प्लेट की जो गल की जाए थोड़ा प्लेट के ऑनियन भी मिलेगा, नाल जेड़ा लैमन भी मिलेगा, तो नाल दी नाल अमूल मक्खन जेड़ा है थोड़ा फेवरेट वो मिलेगा। तो जो तुम भी कदम खाधा है जो खाना चाहते हो तो लोकेशन जोड़े असं थोड़ा पुछवा दें कि लोकेशन की है, जाके थोड़े लिए ईजी हो जाए। सर लोकेशन क्या है? कुमार मंडी महाराणी दासी रोड जी, पंजाब सिद्ध बैंक के सामने, कुमार मंडी खालसा कॉलेज के पास ही है। गर्ल्स खालसा कॉलेज के सामने तुम आके यदा आनंद जोड़ा कि ले चुक ले सकते हो। तो जो तुम पहला जो खादा होया है जोड़ा नाम ये सुन के तुम हैरान हो गए हो श्रीदेवी, तो कमेंट सैशन में कमेंट करके जरूर दस दौ। तो होर इदा दी अपडेट्स भी साढ़े ना बने रहे हो, तो देखते रहो सिटी हेडलाइन। मैं नेहा मलिक कैमरा परसन विशुनाथ।